नमस्कार। पंजाब का रोमांचक रोचक और आज भी जबकि मतदान हो चुका है वहां पर उसकी संभावनाओं के बारे में अनंत बातें की जा रही हैं। खत्म होने के बाद अब पूरी की पूरी निगाह उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। उत्तर प्रदेश में चार चरणों के चुनावों के बाद ये सोचना समझना पड़ रहा है और जब हालत ये है कि दावे एक तरफ से और दूसरी तरफ से बराबर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी स्थिति के बाद अब जब लखनऊ का चुनाव और लखनऊ के आसपास के इलाकों का चुनाव कल होना है, तो निश्चित रूप से ये दिमाग में लोगों के आ रहा होगा उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। निगाह पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश पर है। अखिलेश यादव पूरे दावे के साथ अपनी बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने मशीनरी के माध्यम से, अपने यार दोस्तों के माध्यम से, अपने मंत्रियों के माध्यम से और तो और प्रधानमंत्री और अमित शाह के माध्यम से भी पूरी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी एकजुट होकर के काम कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रचार प्रसार में वो काफी आगे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर दावे अलग अलग हैं। जमीनी स्तर पर दावे का मतलब यह है कहने का कि ये भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थोड़ा देर से एक्टिव हुआ है और जब तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं तब उसके बाद ज्यादा सक्रियता उन्होंने दिखानी शुरू की है और बाजी मारने की कोशिश में पूरा संघ परिवार लग गया है। आखिरकार इस चुनावों को लेकर के इतनी ज्यादा जो जिसे आप कह सकते हैं एक तरीके से आप ये मानिए कि इतनी ज्यादा आप इतना पक्के से कुछ क्यों नहीं कहा जा सकता है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और उसके पीछे अपने अलग कारण हैं। कारण ये हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा चुनाव या भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव पिछले 6 महीने से जिस तरीके से बनाने की कोशिश की है उसमें साफ है कि वो एक तरीके से उस चुनाव को एक एक अलग रंगत दी गई है। रंगत इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, वो रंगत कानून व्यवस्था की है, वो रंगत आपको ये बताने की है कि अगर दूसरी पार्टी आ गई यानी कि समाजवादी पार्टी आ गई तो हालत कितनी बुरी हो जाएगी, और वो रंगत ये बताने की कोशिश की है कि हमने डिलीवरी की है, हमने डिलीवरी की है मतलब हमने काम किया है। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन का सवाल है, हिंदू मुसलमान का परसेप्शन का सवाल है, वो उन्होंने एक परसेप्शन बनाया जरूर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो सकता है कि आप एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आप उसके समर्थन में बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन ये सच है कि अब लखनऊ, उसके आसपास और पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत ये माना जाता है कि गुंडई कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि गुंडई नहीं हो रही है, गुंडई कम हो रही है और कानून व्यवस्था पर का मजाक उड़ाने वाले, कानून व्यवस्था को हीन भावना से देखने वाले और उनको तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो कार्रवाई होती है वो निश्चित रूप से उसका ढिंढोरा भी ठीक से पीटा जाता है। गुंडों की शामत आई है ये भी सही है, बड़े गुंडों की और ज्यादा शामत आई है ये भी सही है। जिनके पास अपनी इस तरीके की संपत्ति थी, जिनके पास इस तरीके का उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर रखा है उसको ध्वस्त किया गया ये भी सही है। आज रात में शाम को आराम से महिलाएं घूम सकती है ये भी सही है, लेकिन क्या ये भी सही है कि चेन स्नेचिंग कम हो रही हो, क्या ये भी सही है कि हत्याएं कम हो रही हो? तो ये आंकड़े आपके जो बातें हैं उसमें बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये बात 100% सही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है,
लोग अब खुलेआम निकल सकते हैं और निकल भी रहे हैं। अब जहां तक बातचीत होती है काम को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के अपना जो एजेंडा रहा है उसमें उन्होंने बहुत सही तरीके से अपने एजेंडा को प्रोजेक्ट किया, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बातचीत हो। राम मंदिर का काम हो चुका है और अब मुझे यहाँ के क्षेत्रों में घूमने के बाद में ये नहीं लगता कि राम मंदिर का मुद्दा अब कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जो जो बिल्कुल उद्वेलित कर सके लोगों को। वो काम हो गया, आपका एजेंडा पूरा हो गया, अब आप दूसरे एजेंडे पे आइए। दूसरी बात ये भी है कि राम मंदिर के अलावा जो आपके एजेंडे थे दूसरे वर्गों के लिए और काम के लिए, वो अगर आपने पूरे कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं पूरे किए तो आप किनारे उसको रख दे रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक काम बड़ा किया है जिसको वो अपना एक अलग वोट बैंक मान रहे हैं, जो डिलीवरी का वोट बैंक है। और डिलीवरी भी कहां पर, एक पॉइंट पे बड़ी डिलीवरी हुई है, वो ये डिलीवरी है कि गरीबों को खाना मिला है, गरीबों को राशन मिला है, किसानों को पेंशन मिली है। डिलीवरी का लेवल यहीं तक सीमित रह जाता है, डिलीवरी का लेवल उस सर्वोच्च स्तर पे जाए ये कहीं नहीं दिखता है आपको। जमीनी हकीकत यही है कि एक तरफ वो डिलीवरी गांव में देहात में योजनाओं में, चाहे वो उज्ज्वला हो या किसानों को की राशि का मामला हो या घर बनाने को दिया हुआ पैसा हो या शौचालय निर्माण हो जिसे इज्जतगढ़ कहा जाता है, वहां पर डिलीवरी हुई है। ये बात दूसरी है कि इज्जत घर हो या मकानों के निर्माण में हो तो उसमें पैसे का लेन देन भी हुआ है। लेकिन अगर 12,000 रुपए बाथरूम के लिए मिलते हैं तो उस लाभार्थी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पैसा देना भी पड़ा, इस बात की भी शिकायतें आई हैं। लेकिन ये काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वोट बैंक सिर्फ एक है आपका लोअर क्लास का, और जो वोट देता है निश्चित रूप से बड़ा वोट बैंक है, डिलीवरी वाला वोट बैंक है, और वो क्या अब आपके सामाजिक समीकरणों के आंकड़ों में फिट होता है कि नहीं होता है? अगर वो सामाजिक समीकरणों के आंकड़ों में फिट होता है तब एक दूसरी बात है। दूसरी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें उस सामाजिक समीकरणों के आंकड़ों में सपा का सामाजिक समीकरण अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाद में कुछ और, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, इन सब को लेकर दारा सिंह की उल्लेख करके बातचीत की जाती है कि उनका एक छोटा समीकरण था, उनके कुछ एक जातियों का समीकरण था जो उनके पास चला गया, और कुछ जातियां पहले ही भारतीय जनता पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जैसे सुहेलदेव वाला हुआ मामला या और मामले हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कि बहुत पीछे रह गई, सोनेलाल का ग्रुप, पटेल का ग्रुप, कुर्मियों का ग्रुप और भी छोटे छोटे ग्रुप्स को उन्होंने अपने, निषादों का ग्रुप अपने साथ में रखा है, और उससे थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका थी वो कम कर दी उन्होंने। लेकिन ये बात सही है कि इसमें काफी बड़ा वर्ग जो था वो पहले ही इनको पहले के चुनाव में यानी कि 2017 के चुनाव में इनके साथ था, जो अब नहीं है वर्ग के तौर पर। लेकिन क्या वो वर्ग के तौर पर नहीं है और उसको डिलीवरी हुई है तो वो क्या आपको वोट देगा? परसेप्शन है कि वो देगा, लेकिन वास्तविकता क्या होगी ये आने वाले भविष्य के गर्त में है कि वो वोट देगा कि नहीं देगा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि कई वर्ग योगी सरकार से नाराज भी चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा वर्ग जो लखनऊ में बातचीत कीजिए, कानपुर में बातचीत कीजिए तो आपको नजर आता है राजकीय कर्मचारियों का है, गवर्नमेंट वर्कर्स का है। गवर्नमेंट वर्कर कतई खुश नहीं है सरकार के कार्यों से, और खास तौर से जो नौकरी का मामला है, नौकरियां लोगों की जा रही हैं मतलब रिटायर हो रहे हैं और नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। मैं भी बेरोजगारों की बात बाद में करूंगा, पहले इनकी बात कर लेता हूं। तो वो एक संकट लगातार
इनके साथ बना हुआ है उनके पेंशन को लेकर के। समाजवादियों ने और कांग्रेस ने कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था को मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान बंद किया गया था और उसके बाद अखिलेश सरकार आई, अखिलेश सरकार ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया। अब याद योगी सरकार है, उसने नहीं किया है, लेकिन अखिलेश सरकार ने फिर से अपनी ये बात रखनी शुरू की भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को हम बहाल करेंगे। इस पे ऐसा भी नहीं है, सिर्फ बातचीत हो रही है और लोग भी कह रहे हैं कि ये होगा नहीं, लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये एक सच्चाई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और बाकी स्तर पर भी सरकारी कर्मचारी कोई बहुत खुश नहीं नजर आता है। वो बात दूसरी कि विभिन्न कारणों से, विभिन्न सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, हिंदू मुसलमान के कारण हो, उसमें वो थोड़ा सा हो सकता है नाराजगी के बाद भी वोट दे दे, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है। दूसरा, योगी सरकार पर एक ये भी आरोप लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे काम नहीं हुए। लखनऊ में तो इस तरीके से बात सबूत के तौर पर नहीं कही जा सकती कि 5 साल में कोई बहुत बड़ा काम किया गया हो। ये बात ठीक है कि एक्सप्रेसवे बने हैं, पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे बना है और उसके फलीभूत होने से लोग तो इस तरीके से कहते हैं कि अगर मौका मिले तो वो योगी जी के पैर भी छू लें। क्यों? क्योंकि उनके गांव देहात तक एक रोड चली गई है बड़ा, और वो ढाई, बड़े गर्व के साथ यहाँ पर लखनऊ में लोग कह रहे हैं कि साहब हम 2.5 घंटे में मऊ पहुंच जा रहे हैं, 2 घंटे में आजमगढ़ पहुंच जा रहे हैं। वो बात दूसरी कि वो इतना इतनी तेज रफ्तार से नहीं लोगों को चलना चाहिए, लेकिन एक जो दूरी है वो उसकी कम हुई है। लेकिन ये योजना, जैसा कि अखिलेश यादव दावा करते थे कि उनकी शुरू की हुई और इसको काम योगी सरकार ने किया, वो है बस। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या लखनऊ में कुछ बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर बने या और भी काम हुआ या कोई और बड़ा जो जिससे लखनऊ की पहचान और गौरवान्वित होती या कानपुर की पहचान और गौरवान्वित होती, वो काम हुआ? वो बहुत कम दिख रहा है, नहीं के बराबर है। लखनऊ में मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है, एक लाइन उसकी बन गई है और वो काफ़ी लंबे समय से हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन दूसरी और तीसरी लाइन पे जो काम हो जाना चाहिए था वो नहीं शुरू हुआ, ये भी एक सच्चाई है। नाराजगी का आलम यह भी है कि अस्पतालों की स्थिति आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। भले ही आपने डिस्ट्रिक्ट के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कर दिया, वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, दवाओं का संकट लगातार बना हुआ है, बिजली विभाग समेत नगर निगम, नगर निकाय के विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये मैंने खुद भी देखा है। नगर निगम में तो खुद पैसे का लेन देन करने में किसी को कोई शर्म नहीं होती है, ये भी बात सच है। तो वहां पूरे विभागों में जितनी भी भ्रष्टाचार है वो वहां दिखता है, लेकिन क्या इन सब कमियों का फायदा समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव उठा पाएंगे? अब इसकी संभावनाओं पर बात कर लें। विपक्ष हर बार जब सत्ता में आता है तो या तो वायदे से आता है या अपनी पहली सरकार के कार्यकाल पर आता है, या जो बीती सरकार, जो सरकार अभी है, जैसे अभी योगी जी की सरकार चल रही है, तो उसकी विफलताओं पर आता है। समाजवादी पार्टी के साथ ये दिक्कत है कि उनकी जो उनको अपना विपक्ष का काम होना चाहिए उन्होंने बहुत देर से शुरू किया। अखिलेश यादव ने मात्र 5-6 महीने से वो काम शुरू किया है, जबकि उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कोरोना काल की अगर विफलताएं थी तो उसको वो ज़्यादा एक्सपोज करते, जो वो नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और जैसे मुलायम सिंह यादव नेताजी किया करते थे मेहनत, वो पिछले 3-1 महीने से उनकी मेहनत नजर आ रही है, लेकिन इसके पहले वो, हाँ, एक अकलमंदी उन्होंने की है कि वो सामाजिक समीकरण जोड़ने में उन्होंने बहुत अकलमंदी की है। एक अकलमंदी और की कि उन्होंने परिवारवाद को अपेक्षाकृत कम किया है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यादव परिवार एक जमाने में उसके 20-20 लोग जनप्रतिनिधि होते थे, जिसमें सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख वगैरह वगैरह, आज वो स्थितियां अखिलेश ने उसको नियंत्रित किया है
और उसमें किसी को बहुत ज्यादा चलने नहीं दी है, ना ही उसमें शिवपाल यादव की चल रही है, ना ही रामगोपाल यादव की चल रही है, ना उनके आदमियों के लिए लिस्ट को लेकर के चली है। अखिलेश ने वो समीकरणों के तहत जो बेस बनाने के तहत वो काम किया है वो वहां नजर आता है, चाहे वो मुसलमानों को वोट टिकट देने का मामला हो। पहली बार यादव समुदाय के वोटों टिकटों की संख्या भी उन्होंने कम की है। लेकिन अखिलेश यादव के पास एक दिक्कत ये भी है कि वो अपनी सरकार में जो उन्होंने काम किए थे वो कोई ऐसे बहुत स्थायी काम नहीं नजर गिना पाते हैं कि हम वो करेंगे, ना ही उस पर यकीन करने की बात होती है। लखनऊ के अगर आप राजधानी की बात करें तो मैं जानबूझ के लखनऊ की ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि कल यानी कि 23 तारीख को लखनऊ में वोट पड़ने हैं, तो वहाँ पर उनसे ज़्यादा काम मायावती ने किया था, चाहे वो गोमती नगर के विस्तार का मामला हो या और हो। अखिलेश यादव के कार्यकाल में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि उस मध्यवर्ग को कम से कम नजर नहीं आती है जिससे वो प्रभावित होता वहां, एक बात ये सच्चाई है। दूसरा ये भी सच है कि अखिलेश यादव योगी सरकार की कमियों को बहुत कायदे से आगे नहीं ला पा रहे हैं। तीसरी चीज ये है, अखिलेश यादव जो वायदे कर रहे हैं वो सबको पता है कि वो आसान वायदे नहीं है, चाहे बिजली फ्री देने का वायदा हो, वो उन्होंने मजबूरी में इसलिए किया कि आम आदमी पार्टी उसको कर रही थी, वो इतना आसान नहीं है जितना करना था कि योगी सरकार को, तो उन्होंने करने की कोशिश की है। और भी जो वायदे कर रहे हैं वो हवा हवाई वाले ज्यादा नजर आते हैं। सब जानते हैं राज्यकर्मियों को पेंशन का मामला फिर से पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। एक जो सब ये रोजगार की बात कर रहे हैं जबकि सब जानते हैं कि रोजगार को लेकर के इतना आसान काम नहीं होता। योगी सरकार से नाराजगी लोगों की एक रोजगार को लेकर के भी है, जो बड़ी नाराजगी है। वो नाराजगी इसलिए बड़ी मानी जा रही है कि इन्होंने पिछले 4 साल में अपनी तरफ से कोई जो नई भर्तियां लगातार विभागों की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अभी एक भर्ती जो टीचर्स को लेकर के हुई जिसके सब मतलब रद्द कर दी गई परीक्षाएं, उसको लेकर के भी बहुत लोगों में गुस्सा है। एक बार मतलब 75-76 हज़ार या कुछ इतनी नौकरियां निकली थी और उसको हो जाना चाहिए जो नहीं हो पाया है, वो एक बड़ा वर्ग है जिस जो उससे नाराज है। किसानों के बारे में बहुत सारी बातें की जाती रही हैं, गन्ना को लेकर के इन्होंने भुगतान ज़्यादा किया, निश्चित रूप है उसका फायदा उनको मिलेगा, लेकिन उसके कारण भी अलग है। क्यों? क्योंकि गन्ने की किस्म बदल गई है। कुछ काम अच्छे हुए हैं किसानों को लेकर के जो एक वर्ग बना है, लेकिन किसान आंदोलन के कारण वो इनके लिए एक मुश्किल भी हुई है। समाजवादी पार्टी के साथ एक और दिक्कत है, सामाजिक समीकरण उन्होंने जरूर मजबूत किए, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्पसंख्यकों का वोट बड़ी संख्या में उनके पास जाएगा, इसमें भी कोई राय नहीं। कहीं कहीं उनमें सेंध कांग्रेस और बसपा लगाएगी और हमारे असदुद्दीन ओवैसी जरूर उसका कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक तरीके से ये पूरा चुनाव जो है वो वास्तविकता के धरातल पर दूसरा है और आभासी दुनिया में ज़्यादा चल रहा है, परसेप्शन के लिहाज से ये ज़्यादा चल रहा है। और जहाँ परसेप्शन का मामला आएगा तो कई मूलभूत मुद्दे नीचे बैठ जाते दिखते हैं। नाराजगी है लेकिन वोट भाजपा को देंगे, नाराजगी है लेकिन जो उनका वर्ग है वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा। तो खुश होकर के वोट देने वाले लगता है इस चुनाव में वोटिंग खुश होकर के वोट देंगे ये नहीं होने जा रहे। खुशी का जहां तक मामला है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो परसेप्शन को लेकर परसेप्शन से जुड़ता है मामला। तो मेरा पूरा मानना ये है कि ये चुनाव परसेप्शन का चुनाव होने जा रहा है, वास्तविकता का चुनाव नहीं होगा, वास्तविक उपलब्धियों को लेकर के चुनाव नहीं किया जाएगा। ये चुनाव डिलीवरी वर्सेस वायदों को लेकर के है। वायदा राहुल गांधी ने भी आपको याद होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में किया था जो बहुत सही फिट नहीं हो पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसको पहले से कुछ शुरू कर दिया था किसानों को पैसा देना। तो आप
ये ध्यान रखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चुनाव में जो सबसे रोचक है, बड़ा कड़ा मुकाबला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वो उपलब्धि नहीं हासिल करने जा रही है 303 सीटों की जो उसने पिछले चुनाव में हासिल की थी, लेकिन ये बात भी सच है कि आसान नहीं होगा उसकी सत्ता को छीना जाना। क्यों? क्योंकि परसेप्शन कई मामलों में उसके लिए ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, जबकि वास्तविकता के स्तर पर वो कमजोर है। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी परसेप्शन के लेवल पे ये कोई बड़ी उपलब्धि करके आए हों और वो दोहराने की स्थिति में बताएंगे तो वो लोगों को नजर नहीं आता, वो सत्ता के सामाजिक समीकरणों को लेकर के है। आप सोच रहे होंगे कि साहब कांग्रेस के बारे में और बसपा के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है, तो कांग्रेस वो जो उसका वोट अभी तक की जो स्थितियाँ हालात लग रही हैं, उसका वोट बैंक जो 6% पे था, तो इस बार वो घट करके कहाँ रुकेगा ये हमें देखना बहस का विषय हो सकता है, लेकिन वो बढ़ने नहीं जा रहा ये लगभग तय है। उसकी स्कूटी के वायदे वगैरह वगैरह ये कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। बसपा का वोट बैंक कोर वोट है और वो कोर वोट कई जगह पर ये देखा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा रहा है, ना कि उसके विरोध में। तो लेकिन उसका एक वोट बैंक, अब ये देखना होगा कि उसके पास जो दूसरा वोट बैंक है मुस्लिम्स का, अल्पसंख्यकों का, क्या वो उसके पास रह पाता है या नहीं रह पाता। अगर नहीं रहता तो तय बात है कि समाजवादी पार्टी के पास जाएगा, तो उसकी स्थितियाँ क्या बनती हैं। तो ये चुनाव जो है बड़ा घालमेल का चुनाव है, बहुत अगर मगर हैं इसमें, उपलब्धियों के आधार पर बहुत सारा चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, परसेप्शन के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और परसेप्शन का ये चुनाव किसकी नैया पार करेगा ये तो 8 मार्च के बाद पता लगेगा, जब वोट पड़ चुके होंगे और 10 मार्च को गिनती हो चुकी होगी। शुक्रिया।